झारखंड में कई सरकारी स्कूलों के नाम बदलने पर सियासत हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सोरेन सरकार तुष्टिकरण कर रही है और सरकारी स्कूलों के नाम से हिंदू और सम रामरुद्र जैसे शब्द हटाए जा रहे हैं, जो राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल झारखंड के शिक्षा विभाग के एक आदेश के बाद कुछ सरकारी स्कूलों के नाम बदल दिए गए हैं। नादिया हिंदू हाई स्कूल में हिंदू शब्द हटाकर स्कूल का नाम जिला सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लोहरदगा कर दिया गया है। इसी तरह चास के रामरुद्र हाई स्कूल से रामरुद्र शब्द हटा दिया गया है। धनबाद के श्री श्री लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट राजकीय कन्या विद्यालय से भी श्री श्री लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट हटा दिया गया है। स्कूल के नाम बदलने का पूरा मुद्दा उठाते हुए बीजेपी ने कहा कि हेमंत सरकार को हिंदू शब्द से एलर्जी है। राज्य सरकार हिंदू शब्द पर उनको एलर्जी है और वो तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस से पलटवार करते हुए कहा कि नाम बदलने का काम तो बीजेपी का है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किसने रखा? बीजेपी ने। मुगल सराय का नाम किसने बदला? लेकिन सवाल यह है कि मॉडर्न स्कूल के नाम पर इन स्कूलों के सिर्फ नाम बदले जा रहे हैं या बच्चों को वैसी शिक्षा और सुविधाएं भी मिल रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत देश के तमाम शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी की है। NIRF की ओवरऑल यानी देश के बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की रैंकिंग में IIT मद्रास पहले पायदान पर है, दूसरे नंबर पर IISc बेंगलोर और तीसरे नंबर पर IIT दिल्ली है। इंजीनियरिंग कॉलेज की रैंकिंग देखें तो IIT मद्रास इस लिस्ट में भी नंबर एक पर है, दूसरा नंबर IIT दिल्ली और तीसरा नंबर IIT मुंबई का है। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो NIRF की रैंकिंग में पहले पायदान पर है IIM अहमदाबाद, दूसरे पर IIM बेंगलोर और तीसरे पर IIM कोझिकोड है। मेडिकल कॉलेज की रैंकिंग में एम्स दिल्ली टॉप पर है, दूसरा नंबर PGI चंडीगढ़ का है और तीसरा नंबर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर का है। देश की बेस्ट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में IISc बेंगलोर पहले पायदान पर है और दूसरे नंबर पर JNU दिल्ली और तीसरे नंबर पर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है। देश के बेस्ट कॉलेज की बात करें तो दिल्ली का मिरांडा हाउस पहले पायदान पर है, दूसरे पायदान पर दिल्ली के हिंदू कॉलेज का कब्जा है और तीसरे पायदान पर चेन्नई का प्रेसिडेंसी कॉलेज है। असम के गोलाघाट में एक गाड़ी ट्रेन की चपेट में आ गई। असम के गोलाघाट जिले में रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान एक गाड़ी ट्रेन की चपेट में आ गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कार के ड्राइवर को ज्यादा चोटें नहीं आईं। बिहार के बेतिया में कोचिंग जा रही छात्राओं को एक तेज रफ्तार कार रौंदते हुए निकल गई। इस हादसे में 7 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना का CCTV वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिया है। दिल्ली के नरेला में 12 साल के बच्चे की स्कूल के स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। मृतक के परिवार वालों ने स्कूल पर स्विमिंग पूल के पास ट्रेनर न होने और लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। लखनऊ के गोमती नगर में रिटायर्ड DG दिनेश शर्मा ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है। सूत्रों के मुताबिक दिनेश शर्मा काफी समय से चल रही बीमारी के कारण डिप्रेशन में थे। महाराष्ट्र के अहमदनगर में उर्स की रैली के दौरान कुछ मुसलमान लड़कों ने औरंगजेब की फोटो के साथ डांस किया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने इसको लेकर चेतावनी दी है। फडणवीस ने कहा कि अगर कोई औरंगजेब की फोटो दिखाएगा तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। बालासोर रेल हादसे का असली जिम्मेदार कौन है, इसका पता लगाने के लिए जांच और तेज हो गई है। हादसे की सही वजह जानने के लिए CBI की टीम आज बालासोर में घटनास्थल पर पहुंची और उस जगह का जायजा लिया जहां से कोरोमंडल एक्सप्रेस ने ट्रेन लूप लाइन में घुसकर पहले से खड़ी मालगाड़ी को टक्कर मारी थी। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए ये वो लेवल क्रॉसिंग है और यहीं पर वो ट्रैक से जहां पर कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो डीरेल हुई थी और यहीं पर आपको बता दें यहीं पर CBI के अफसर पहुंचे हैं। आप देखिए कल CBI ने केस को रजिस्टर किया है। CBI के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक अधिकारी भी हादसे की जगह पर पहुंचा। CBI के अधिकारियों ने हादसे की जगह का 4 घंटे तक जायजा लिया। मौके पर मौजूद GRP और रेलवे अधिकारियों ने CBI का सहयोग किया और उनकी तादाद से बताया जा रहा है कि CBI अधिकारियों ने घटनास्थल से अहम सबूत जुटाए। हादसे की जगह पर CBI अधिकारी GRP अधिकारियों से डिटेल लेते हुए नजर आए। CBI के अधिकारियों ने रेलवे को हादसे से जुड़े सभी सबूतों को सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए हैं। कोचेस को हमने सिक्योर करके रखा है, जितने भी रेल्स जो थे डैमेज रेल्स थे स्लीपर्स थे वो सबको अलग करके रखा गया है ताकि उसका एविडेंसेस टेम्पर ना हो। जो हमारी फाइल्स थी जो मशीन्स थी जो डेटा लॉगर्स की रीडिंग थी सारा चीज को हमने सील करके रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ CBI ही जांच कर रही है, कमिश्नर रेलवे सेफ्टी भी हादसे की जांच कर रही है।
के सीआरएस की टीम भी दो तीन लोकेशन पे एक साथ काम करी, एक टीम खड़गपुर में है, एक टीम बालासोर में है, यहाँ पे है, भाना बाजार में है, तो सारे लोकेशन पे अलग अलग लोकेशन से काम हो रहा है। विपक्ष ने सवाल उठाए थे कि कमिश्नर रेल सेफ्टी से जांच लेकर सीबीआई को क्यों सौंप दी गई। बालासोर रेल हादसे के पीछे कोई साजिश हो सकती है, प्रधानमंत्री दफ्तर को दी गई रिपोर्ट में रेलवे बोर्ड ने इसका अंदेशा जताया है और इसी कड़ी में आज रेल मंत्रालय ने 3 घंटे तक लंबी बैठक की जिसमें रेलवे बोर्ड के बड़े अधिकारी शामिल हुए। बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे की जांच और अगले कदम पर चर्चा की। इससे पहले रेल मंत्रालय ने पीएमओ को हादसे का डिटेल प्रेजेंटेशन दिया। सूत्रों के मुताबिक हादसे के पीछे साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया गया है, इसकी जानकारी रेलवे बोर्ड ने पीएमओ को दी है। रेल मंत्री पहले ही बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिग्नल सिस्टम में बदलाव किया गया। सीबीआई 3 सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है। क्या जल्दबाजी में मानवीय भूल हुई, क्या जानबूझकर किसी ने सिस्टम से छेड़छाड़ की या सिस्टम में ही कोई खामी ही थी जिसकी वजह से गलत सिग्नल मिला, इन सवालों के जवाब तलाशना सीबीआई के लिए एक चुनौती है। बालासोर रेल हादसे में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने बालासोर थाने में जो एफआईआर दर्ज की थी उसे सीबीआई ने री रजिस्टर किया है। एफआईआर में आईपीसी और रेलवे एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। इसमें शामिल है आईपीसी की धारा 304A, जल्दबाजी या लापरवाही से किए गए कार्य की वजह से मृत्यु, 2 साल तक की सजा या जुर्माने का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 337, लापरवाही या जल्दबाजी की वजह से नुकसान पहुंचाना, 6 महीने तक की सजा। आईपीसी की धारा 338, जल्दबाजी या लापरवाही की वजह से गंभीर चोट पहुंचाना, 2 साल तक की सजा। आईपीसी की धारा 34, कई लोग समान इरादे से कोई अपराध करें, इस धारा में सजा के बारे में नहीं जानकारी है। रेलवे एक्ट की धारा 153, जानबूझकर चूक या लापरवाही से यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालना, इसमें 5 साल की सजा का प्रावधान है। रेलवे एक्ट की धारा 154, जल्दबाजी लापरवाही या चूक से यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालना, 1 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। रेलवे एक्ट की धारा 175, नियमों की अनदेखी करना, आदेश या निर्देशों को नहीं मानना, जल्दबाजी या लापरवाही करना, इसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है। बालासोर रेल हादसे के बाद रेलवे बहुत चौकन्ना हो गया है। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल हेडक्वार्टर्स को चिट्ठी लिखकर निर्देश दिए हैं कि स्टेशन के रिले रूम और सिग्नल उपकरणों वाले कमरे में डबल लॉक लगाए जाए। जिसके बाद बालासोर में बाहनागा बाजार रेलवे स्टेशन पर मौजूद रिले रूम के दरवाजे पर दो दो ताले लटके नजर आए। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम स्टेशन के इसी रिले रूम से ऑपरेट होता है। इस रूम को खोलने के लिए चाबियों की जरूरत होती है, बिना इजाजत के रिले रूम नहीं खोला जा सकता। आप यहाँ पर देखिए डबल लॉक लगे हुए हैं और यहीं पर वो सारे इक्विपमेंट हैं और सारे सिस्टम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है उसकी। आपको बता दें कि अगर यहाँ पर कोई टेम्परिंग होती है या फिर यहाँ पर कोई गड़बड़ी होती है तो जो स्टेशन मास्टर का रूम है बगल में, जहाँ पर लगातार जब ट्रेनों की आवाजाही होती है और वहाँ जो है सिग्नलिंग जो पैनल है उसको देखा जाता है। दोनों तालों की चाबियां स्टेशन मैनेजर और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के पास होती हैं। रिले रूम को तभी खोला जाता है जब सिस्टम में कोई समस्या देखी जाती है और इसमें सुधार की जरूरत होती है। अगर किसी स्टेशन पर सिग्नल संबंधी काम होते हैं तो इसे प्रोटोकॉल के अनुसार खोला जाता है। Z News.